हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपका प्रश्न है कि स्वर्ग और नर्क क्या है। स्वर्ग और नर्क की बहुत सारी परिभाषाएं और प्रचलित परिभाषाएं आप जानते हैं, उनसे आप वाकिफ हैं। लेकिन मेरे अनुभव में, मेरे देखे, मेरे अपने संज्ञान में जो चीज़ें आती हैं उसके आधार पर मैं आपसे कहूँ तो, जिस जीवन में आपका और अधिक रस और रुचि गहरी होती जाए, जिस जीवन को जीने का खूब मन करे, जिस जीवन में जीवन को देने के लिए बारंबार परमात्मा के प्रति आभार और अहोभाव का भाव उठे, जिस जीवन में सारी प्रकृति आपको लगती हो कि आपके सहोदर है, आप ही के लिए निर्मित है और आप प्रकृति के लिए निर्मित हैं, जब सभी तरह के संबंधों में आपको आनंद, सुख, सुकून और शांति प्रतीत हो, जब आपको अपने सारे कार्यकलाप संतोषप्रद लगने लगें, जब आपको अपने पुरुषार्थ से स्वयं ही ऐसी सुगंध और ऐसी सुरभि की अनुभूति हो जो आपके आत्मबोध को जागृत करती हो, जब आपके सराउंडिंग्स में सारी परिस्थितियां ऐसी हों जिनमें आप खूब रुचि रस लें और खूब जी भर के जिएं, तो वो जो पृष्ठभूमि है वही स्वर्ग है। वो जो वातावरण है, वो जो परिवेश है, वो जो आपके इर्द गिर्द है, वो सब स्वर्ग है। और उसके विपरीत, जहाँ परस्पर कलह हो, जहाँ जिन संगी साथियों के साथ आप रहते हैं हर समय उनके बारे में आपके मन में बुरे विचार आते रहें, आप जिस समाज का हिस्सा हैं उस समाज के प्रति आपके मन में तिरस्कार हो, आप जिस कार्यस्थल पर हैं उसके प्रति आपके मन में रिग्रेट हो, आपको प्रकृति की कोई चीज़ अच्छी ना लगती हो, आपको सुखी, आनंदित और खूब मस्त रहने वाले लोगों को देख करके थोड़ी चिढ़ मचती हो, आपका संबंध किसी से कभी भी ठीक ना चल पाता हो, या आप जिन लोगों से संबंध बनाते हो आपकी सारी कारगुजारियां उन पर प्रकट हो जाती हैं, आप अपने जीवन में जो भी करने चलते हो उसके प्रत्युत्तर में आपको बुरा नकार और नकारात्मकता और नेगेटिविटी ही प्राप्त होती रहती हो, और जीवन के प्रति बजाय अहोभाव के, बजाय धन्यवाद के, बजाय साधुवाद के आपके मन में तिरस्कार हो, और बहुत आपके मन में या तो स्वयं को समाप्त करने के विचार आते हों, जिनके साथ संग आप जुड़े हैं उनके उनको समाप्त करने के विचार प्रदीप्त होते हों, तो बस यही नर्क है। नर्क है जहां सब कुछ नकारात्मक है, स्वर्ग है जहां सब कुछ सकारात्मक है। ओम स्वस्ति अस्तु।